के टॉपिक में हम सीखने वाले डेल्टा का DIU का सॉफ्टवेयर कैसा ओपन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विंडो स्टार्ट बटन या क्लिक करना है, विंडो स्टार्ट पे। फिर आपको ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यार डेल्टा का DIU नाम दिखेगा, इसके अंदर आपको डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को क्लिक करना है। तो आपका DIU सॉफ्टवेयर ओपन होता है। तो ओपन होने के बाद आपको ये 10 सेकंड लेता है, तो उसके बाद वो ये ओपन होता है। ये इसकी DIU डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल, ये इसकी इंडो है। उसके बाद आपको यह प्रोजेक्ट क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। तो आपको यह न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के लिए आपको यह प्रोजेक्ट, ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है। तो यह आपको नाम देना है, क्या नाम देंगे आप इसको, न्यू प्रोजेक्ट या बेसिक DIU। और आपको जहाँ ब्राउज करना है आप वहाँ उसको ब्राउज कर सकते हैं इसको। तो अभी इसकी पोजीशन में क्या करूँगा, डेस्कटॉप पे या क्रिएट मुझे एक मेक न्यू फोल्डर और या DIU से मैंने फोल्डर बना दिया है। तो आप यार फोल्डर बनाने के बाद आपको ओके प्रेस करना है। तो आपका ये फोल्डर का प्रेस होगा, DIU के अंदर होगा, और आप यह प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। फिलहाल तो मुझे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना, तो या मैं ब्लैंक छोड़ दिया तो भी कोई बात नहीं है। फिर आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। नेम डज नॉट मीट द नेमिंग रिक्वायरमेंट, प्लीज रीनेम। तो एक मैसेज क्यों आपको शो कर रहा है, आपने यह क्या कर दिया है, पेस्ट दे दिया है सब इसमें। तो आपको यहाँ का क्या करना पड़ेगा, अंडरस्कोर लिखना पड़ेगा, तो वो मैसेज नहीं दिखाएगा, इसके अंदर पेस्ट नहीं चलता। तो आपको क्या चाहिए, कंटिन्यू कैरेक्टर चाहिए, तभी आपका ये प्रोग्राम ओके होगा। फिर आपको यह ओके बटन पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपका यह बेसिक DIU नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, उसका क्रिएट टाइम हो जाएगा, मॉडिफिकेशन कब किया है, उसका रिवॉल्यूशन कितना है, और पाथ कहाँ पे हुए स्टोर है, ये सब आपको यहाँ दिखाया जाएगा। तो आपका प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद क्या है, इसका ये प्रोजेक्ट राइट हैंड साइड में आपका प्रोजेक्ट नाम आएगा। प्रोजेक्ट के नाम में IO डिवाइस है, वेरिएबल डिक्शनरी, इंडो, रिपोर्ट, अलार्म, अथॉरिटी, ऑपरेशन वेरिएबल, हिस्ट्री वेरिएबल, रेसिपी, इतने सारे पॉइंट है। तो हम एक एक टॉपिक कवर करने वाले नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वीडियो देखना ना भूलिए। तो ये क्या प्रोजेक्ट है, फिलहाल तो क्या आपको क्या करना है, एक विंडो ओपन करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको डिवाइस आए उस पर क्लिक करना है। डबल राइट क्लिक करने के बाद या आपको न्यू डिवाइस आएगा, न्यू डिवाइस को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ओपन का ड्राइवर सिलेक्शन या डेल्टा का स्काडा किस किस PLC के साथ यूज होता है। तो यहाँ इतने सारे ड्राइवर दिए, या क्या है मोडिकॉन है, मोडिकॉन के मॉडबस TCP/IP, मॉडबस सीरियल RTU, मॉडबस सीरियल ASCII, उसके बाद OPC। OPC का फुल फॉर्म क्या है, ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन ऑब्लिक ओपन प्लेटफॉर्म कनेक्टिविटी। उसके बाद आपको क्या है, सिमुलेटर है। सिमुलेशन के बाद या डेल्टा के PLC के सारे यहाँ प्रोटोकॉल दिए वाले, और इस सीमेंस PLC के साथ भी कम्युनिकेशन होता है। एक एक होने के बाद हम आपको पूरा बताने वाले हैं। उसके बाद क्या, मित्सुबिशी के AFR सीरीज के साथ भी कम्युनिकेशन करता है, और ओमरॉन PLC के साथ भी कम्युनिकेशन करता है, और रॉकवेल ऑटोमेशन के साथ भी एक कम्युनिकेशन करता है। तो हम एक एक देखने वाले, फिलहाल तो हमें यह क्या चूज करना है मैं आपको बताता हूँ। तो इतने सारे इसके अंदर ड्राइवर है, तो आपको कौन सा चूज करना है, सिमुलेटर। तो सिमुलेटर पर टिक करके आपको ओके बटन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद या सिस्टम सिमुलेटर डिवाइस की विंडो ओपन हो रही है। आपको यहाँ कोई चेंज नहीं करना, जैसा है क्या वैसा रहना है, और आपको यहाँ नेक्स्ट बटन पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपका दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको कोई सिमुलेटिव पैरामीटर जो जो है वो रखना है, और आपको ओके बटन पे प्रेस करना है। तो यहाँ आपका IO डिवाइस के नीचे DIV0 ओपन हो जाएगा। तो आपको उस क्या करना है, DIV0 पे डबल टिक करना है, डिवाइस DIV0 या ओपन हुआ है।
उसके बाद आपको क्या करना है, या इंडो ओपन करनी है। तो इंडो ओपन करने के लिए आपको क्या करना, या इंडो नाम है, इंडो पे डबल टिक करना है, तो या कोई आता नहीं, या आपको इंडो के लिए आपको इंडो क्रिएट करनी पड़ेगी। राइट क्लिक करना है आपको और न्यू विंडो पे क्लिक करना है, तो आपको या इंडो 0 नाम से एक इंडो ओपन हो जाएगी। या आपका रिवॉल्व आप स्क्रॉल कर सकते हैं और इसको राइट साइड और लेफ्ट साइड कर सकते हैं। तो आप फिलहाल क्या है, ये टूल बॉक्स है, इतने सारे टूल बॉक्स हम एक एक करके स्काडा के अंदर यूज करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, आपको टेक्स्ट टूल बॉक्स सिखाऊंगा। टेक्स्ट टूल बॉक्स, हाउ टू डिफाइन टेक्स्ट। आपको क्या करना है, राइट साइड टूल बॉक्स के अंदर जाना है और ए नाम से टेक्स्ट देखना है। तो वहाँ क्या है, ये बेसिक ग्राफिक है, बेसिक ग्राफिक विंडोज कंट्रोल और एक्सटेंडेड कंट्रोल। आपको बेसिक ग्राफिक्स के अंदर जाके टेक्स्ट के अंदर जाके उसको ड्रैग और ड्रॉ करना है। ड्रैग और ड्रॉ करने के बाद हैज आते हैं, तो आपको उसको क्या करना है, डबल टिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड के इधर आपको उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो अपनी प्रॉपर्टी के बाद आपको, तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हो गई, तो आपको बेसिक पे टिक करना है और आप इसको नीचे भी ले सकते हैं। तो ये आपका टेक 0 नाम है, या आपको नाम देना है, एग्जाम्पल डिजायर ऑटोमेशन, और आपको एंटर करना है। नेम इज नॉट वैलिड, तो आपको वहाँ पे नाम नहीं देने का है। आपको इसको सेलेक्ट करके आपको क्या, कॉमन पे टिक करना है, और जो कंटेंटेंट है या 3 हैज है, आपको यहाँ पे टिक करना है। तो ये टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगी। ये हैज को आपको या एग्जांपल के तौर पे आप जो आपको नाम देना है वो नाम दे सकते हैं, डिजायर ऑटोमेशन। फिर आपको ओके बटन को प्रेस करना है। ये आपका डिजायर ऑटोमेशन यहाँ नाम आ गया। ये अभी इसका कलर ब्लैक है, तो आप यहाँ से उसको जो कलर चाहिए आप वो चूज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसका, तो आपको जो भी कलर देना है आप वो कलर दे सकते हैं। तो आपको अभी ये क्या करना है, ये आपका होगा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आपको इसको क्या करना है, रन टाइम में लेके जाना है, रन इंडो में। तो आप यार रन बटन आपको स्टार्ट के अंदर रन है या आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको ये 2 आवर्स के लिए आपको ओपन है। आपके पास की होंगी तो ये आपको कंटिन्यू चलेगा, नहीं तो आपको 2 आवर्स के लिए फिर यह इग्नोर बटन पे क्लिक करना है और आपका DIU रन टाइम ओपन हो जाएगा। जितना आपने सॉफ्टवेयर के अंदर लिया है उतना आपको टेक्स्ट दिखा देता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, तो कल के टॉपिक में हम सीखने वाले हाउ टू डिफाइन टाइम एंड डेट। थैंक यू।